Good morning everyone, how are you? Today I am here with my new video. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. आपको पोइट्री सेक्शन में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको कुछ लाइंस दी जाती हैं और आपको वो लाइंस एक्सप्लेन करनी होती हैं विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिस्क पोएम को एक्सप्लेन किया था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको वो वीडियो बहुत हेल्प करेगी. दिस इज़ रितु गर्ग, लेक्चरर इन इंग्लिश, एंड आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेकर आती रहूँ. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. Here we start with our first stanza, and the first stanza is: To laugh is to risk appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feelings is to risk exposing your true self, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called a knave. ये lines हैं जो कि हमारी opening lines हैं इस poem की. और जब भी हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेफरेंस लिखना होता है, और रेफरेंस में हमें सिंपली पोइट और पोएम का नाम मेंशन करना होता है. तो हम रेफरेंस को इस तरह से लिख सकते हैं: दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड. कि ये लाइन्स पोएम रिस्क में से ली गई हैं और इसे कंपोज किया है जेनेट रैंड ने. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट में हमें जो स्टेंजा दिया हुआ होता है उसमें पोइट ने जो बताया है, जो कहा है, उसे सिंपली 2 to 3 लाइंस में लिखना होता है. जैसे इस स्टेंजा का कॉन्टेक्स्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं: द पोइटस सेज दैट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व रिस्क. पोइटस कहती हैं कि ह्यूमन की हर एक्टिविटी में रिस्क इन्वॉल्व है. इन दीज लाइन्स शी प्रोवाइड्स अस अ लिस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़. और इन लाइन्स में उन्होंने हमें उन एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट दी है, उनके नाम बताए हैं. एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन करते वक्त हमें एक 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. एक तो हमें एक्सप्लेनेशन करते हुए सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए. हमें इस तरह के सेंटेंसेस क्रिएट करने चाहिए, फ्रेम करने चाहिए, जिससे हम पोइट ने जो पोइट के जो थॉट हैं उन्हें हम अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें. और उसमें जो कुछ वर्ड्स आए हैं उन्हें हमें उनके सिनोनिम्स यूज करके उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए. तो चलिए इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इसमें जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं जिसमें लाफ और वीप की एक्टिविटी बताई गई है, उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं: द पोइटस सेज दैट आर एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क. लाइक इफ वी लाफ पीपल मे कॉल अस फूल, इफ वी वीप पीपल मे कॉल अस इमोशनल. यहाँ सेंटिमेंटल को हमने इमोशनल से रिप्लेस कर दिया और हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से लिखा कि अगर हम हंसते हैं तो लोग कह सकते हैं हमें फूल, और अगर हम रोते हैं तो लोग हमें इमोशनल कह सकते हैं. नेक्स्ट लाइन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे: टू हेल्प समबडी इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ हैविंग आर ओन इंटरेस्ट इन डूइंग सो. कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उस पर्सन की हेल्प करने में कहीं ना कहीं हमारा खुद का इंटरेस्ट था, उसमें ये रिस्क इन्वॉल्व है. नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट लाइन को हम लिखेंगे टू एक्सपोज फीलिंग्स. तो इसके लिए हम कहेंगे कि वेन वी रिवील फीलिंग्स बिफोर अ ग्रुप ऑफ पीपल देर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग आर ट्रू सेल्फ. जब हम अपनी फीलिंग्स एक्सपोज करते हैं तो उसमें रिस्क है कि हमारी ट्रू सेल्फ एक्सपोज हो जाएगी. टू प्लेस आइडियाज़, इस लाइन को हम इस तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे: व्हेन वी टेल आर आइडियाज़ एंड ड्रीम्स टू पीपल दे मे से दैट वी हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. जब हम अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स लोगों को बताते हैं तो वो हमें कह सकते हैं कि इन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है. नैव वर्ड को हमने वी हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इस तरह से हमने क्लियर किया है. तो ये हो गया हमारा इस फर्स्ट स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं. आर सेकेंड स्टेंजा इज टू लव इज टू रिस्क नॉट बींग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, To hope is to risk despair, to try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. ये हमारा सेकेंड स्टेंजा है. अब सेकेंड स्टेंजा का हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस तो सेम ही रहता है. These lines have been taken from the poem Risk composed by Janet Rand. कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमें इस स्टेंजा में भी
पोइटस ने पहले तो कुछ और लिस्ट बताई है, कुछ और एक्टिविटीज़ बताई हैं जिनमें रिस्क इन्वॉल्व है, और फिर उन्होंने हमें रिस्क की इम्पोर्टेंस बताई है। तो हम कॉन्टेक्स्ट को इस तरह से लिखेंगे, द पोइटस सेज दैट आर एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्व अ रिस्क, कि हमारी हर एक्टिविटी में रिस्क इन्वॉल्व है। शी ऑल्सो टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क इन आर लाइफ, और उन्होंने हमें इस स्टैंजा में हमारी लाइफ में रिस्क की जो इम्पोर्टेंस है वह बताई है। एक्सप्लेनेशन को हम इस तरह से करेंगे, फर्स्ट लाइन में लव के बारे में बताया गया है जिसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, द पोइटस सेज इन दीज लाइन्स दैट इफ़ वी लव समवन वी मे नॉट रिसीव द सेम लव इन रिटर्न, कि अगर हम किसी से लव करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें सेम लव रिटर्न हो। नेक्स्ट में लिविंग वाली जो एक्टिविटी है उसमें डेथ का जो है रिस्क बताया गया है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एट एवरी स्टेप देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डेथ, कि हमारे हर स्टेप पर जो रिस्क है वो है डेथ का। होप आर एवरी होप मे नॉट कम ट्रू दस होप इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कि हमारी जो होप है वो ज़रूरी नहीं कि हमारी हर होप फुलफिल हो, और इस तरह से होप में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो है डिसअपॉइंटमेंट का, निराशा का। डेस्पियर को हमने डिसअपॉइंटमेंट से रिप्लेस कर दिया। एवरी टाइम वी ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ बट देर इज़ अ रिस्क ऑफ फेलियर, कि हम हमारी लाइफ में ट्राई करते हैं, कोई भी काम जब करते हैं हम उसमें ट्राई करते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन उसमें भी एक रिस्क है और वो है फेलियर का, कि हम उस काम में हो सकता है मे बी कि हम उसमें फेल हो जाएं। बट वी मस्ट टेक रिस्क बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इज़ टू रिस्क नथिंग, वी डू नॉट गेट सक्सेस विदाउट टेकिंग रिस्क। लास्ट टू लाइन्स में पोइटस ने हमें बताया है कि वी मस्ट टेक रिस्क, हमें रिस्क जरूर लेने चाहिए, बिकॉज हमारी लाइफ का जो ग्रेटेस्ट हैजर्ड है वो है टू रिस्क नथिंग, अगर हम कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं। वी डू नॉट गेट सक्सेस विदाउट टेकिंग रिस्क, अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए तो वो हम रिस्क लिए बिना, अपनी लाइफ में ट्राई किए बिना हम वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आर थर्ड स्टैंजा, एंड द थर्ड स्टैंजा इज द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग has nothing, is nothing, and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. तो ये हमारी lines हैं, इसमें से हम जो context लिखेंगे उसमें हम ये बताएंगे कि poetess ने हमें उस person के बारे में बताया है जो अपने life में risk avoid करते हैं। तो इन lines का context हम इस तरह से लिख सकते हैं, the poetess tells us about the person who avoids risks and so his life becomes meaningless. पोइटस हमें बताती हैं कि वो पर्सन जो अपनी लाइफ में रिस्क को अवॉइड करते हैं उनकी लाइफ भी मीनिंगलेस बन जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। एक्सप्लेनेशन, अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोइटस द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क कैन नॉट डू एनीथिंग। पोइटस कहती हैं कि जो पर्सन रिस्क नहीं लेता वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। सच मैंस एग्जिस्टेंस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ऐसे इंसान का अस्तित्व की कोई पहचान नहीं होती। एंड ही इज़ अनेबल टू मेक प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, और वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी नहीं कर सकता, प्रोग्रेस करने योग्य नहीं होता। द पीपल हु डू नॉट टेक रिस्क कैन एस्केप फ्रॉम सफरिंग्स एंड सोरोज। वो लोग जो अपनी लाइफ में से रिस्क को अवॉइड करते हैं वो सफरिंग और सोरो से तो बच जाती हैं, बट एक्चुअली दे कैन नॉट लर्न एंड फील, लेकिन वास्तव में वो लर्न और फील नहीं कर सकते। दे कैन नॉट चेंज देमसेल्व्स एज वेल एज द वर्ल्ड, ना वो खुद को चेंज कर सकते हैं और ना ही वर्ल्ड को। दे कैन मेक नो प्रोग्रेस, वे कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट इवन लिव देयर लाइव्स वेल, यहाँ तक कि वो अपनी लाइफ को भी अच्छे से नहीं जी सकते। तो ये था इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट स्टैंजा। ये हमारी पोएम का लास्ट स्टैंजा है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, ओनली अ पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री। इस स्टैंजा में भी पोइटस ने हमें उन्हीं पीपल के बारे में बताया है जो कि रिस्क अवॉइड करते हैं। तो हम हमारे कॉन्टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन इस तरह से लिख सकते हैं, द पोइटस टेल्स अस अबाउट द रिस्क अवॉइडिंग पीपल, और लास्ट लाइन में उन्होंने हमें फ्रीडम और
उस पर्सन के बारे में बताया है जो रियल में फ्री है, तो हम लिख सकते हैं शी एक्सप्लेन्स द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह से हम इन लाइन्स का कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में हम पहली लाइन को इस तरह से लिखेंगे, द पीपल हु अवॉइड रिस्क आर चेंड बाय अ काइंड ऑफ सर्टेनिटी। सर्टिट्यूड मतलब सर्टेनिटी, कि वो लोग जो रिस्क अवॉइड करते हैं वो एक तरीके की फिक्स पोजिशन सर्टेनिटी से खुद को चेन कर लेते हैं, बांध लेते हैं। दे बिकम स्लेव्स ऑफ देयर ओन थॉट्स, वो खुद अपने ही थॉट्स के स्लेव्स बन जाते हैं। दे लूज देयर फ्रीडम बिकॉज दे फियर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू। फॉरफिटेड को हमने यहाँ लूज से रिप्लेस किया है। दे लूज देयर फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम खो देते हैं बिकॉज दे फियर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू, क्योंकि उनको डर है, वो कुछ भी नया नहीं करना चाहते। इन द लास्ट लाइन पोएटस सेज दैट द पर्सन हु टेक्स रिस्क इज फ्री इन ट्रू सेंस। जो इंसान अपनी लाइफ में रिस्क लेता है सही अर्थों में, ट्रू सेंस में, वही फ्री है। सो अ पर्सन मस्ट टेक रिस्क इन हिज लाइफ, तो एक पर्सन को अपनी लाइफ में रिस्क जरूर लेने चाहिए। वेल स्टूडेंट्स, आई एम श्योर नाउ यू आर एबल टू एक्सप्लेन एनी स्टेंजा ऑफ दिस पोएम विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। अब मैं मिलूंगी अपनी न्यू वीडियो के साथ। मेरी न्यू वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं।